सर आज बहुत दुख का भी माहौल है, कहीं कहीं खुशी का भी माहौल है। जिनको वर्डिक्ट मिला, जिनको न्याय मिला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुखी का ज्यादा माहौल है क्योंकि सलमान भाई को और उनकी फैमिली को ये वर्डिक्ट मिला है, 5 साल का जेल मिला है। ये तो बहुत एक दुख खबरी है पूरी इंडस्ट्री के लिए और स्पेशली सलमान के भाई बहनों के लिए, माँ बाप के लिए, क्योंकि जो फैमिली है इसमें ये भी बहुत सफ़र करेगी इमोशनली। जैसा कि हम सुन रहे हैं कि सलमान की मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, बहनें ऑब्वियसली रो रही हैं, भाई भी इतना सब दुखी हैं, तो बहुत दुखी खबर है। और जो खबर है जो कि सलमान से जुड़े हुए हैं हमारी इंडस्ट्री के लोग, उनके लिए भी ये दुख की खबर है और बुरी खबर है कि इतना टाइम निकलेगा, क्योंकि सलमान सिर्फ इन दो पिक्चरों में काम नहीं कर रहे थे जो तैयार हो गई, मगर इस 5 साल में भी वो कितना कंट्रीब्यूट कर देते इंडस्ट्री के लिए, और क्योंकि वो इतने लोगों से जुड़े हुए हैं सोशली और कई लोगों को सपोर्ट किया है बीइंग ह्यूमन के जरिए, तो बहुत ही दुख खबरी है कि ये इस पोजीशन में बात आ गई है और ये वर्डिक्ट मिला है उनको। सर, एज ए इंडियन सिटीजन आप इस फैसले से कहाँ, किस तरह देखते हैं, आपके नजरिए से किस तरह अच्छा फैसला है, क्या है? देखिए, अगर कोई अपना हो और उसको सजा मिले, जिसे आप जानते हो, जिसके साथ काम किया हो, कुछ दिन साथ गुजारे हो, तो आपको दुख होना ही है। और ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप हर ऐसे इंसान से जुड़े हों जिनको सजा मिलती है। और जो वर्डिक्ट मिला है, डेमोक्रेसी कंट्री में है और जो जज हैं, जो लॉयर्स हैं, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया होगा, मगर हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत दुख की बात है, हर लिहाज से दुख की बात है। ये बहुत ही अच्छी फैमिली है, जो खान फैमिली है, ये बहुत एक क्लोज निटेड फैमिली है, बहुत सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इन्होंने बहुत मदद की है, तो जिन्हें मदद की है, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनको तो दुख हो गई इस बात का। जरूर, कोर्ट ने लिबर्टी भी की, 5 साल की सजा दी, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा भी थी, तो इससे कुछ असर, बहुत असर पड़ रहा है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर इस चीज़ का, बहुत करोड़ों रुपया लगा हुआ है सलमान खान के ऊपर, कितना बुरा हुआ इंडस्ट्री? बहुत ही बुरा तो होगा ही ज़रूर, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि ये 5 साल में और भी जो कंट्रीब्यूट करते जो नहीं होगा, उसका बहुत बड़ा खामियाजा इंडस्ट्री को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सलमान अकेले ही हजारों आदमी को लेके निकलते हैं, इतनी ताकत है उनके परफॉर्मेंस में और उनके उनके पिक्चरों में, हजारों लोगों का घर चलता है। आपने भी बहुत काम किया उनके साथ, तो कभी कोई ऐसा इंटरेक्शन हमारे साथ करें जब उन्होंने लोगों की हेल्प की? और बहुत लोगों की हेल्प की है, इनफैक्ट मेरे जो असिस्टेंट है काशीनाथ, उनकी वाइफ को कैंसर था और मैं उनको लेके सलीम साहब के पास गया था ताकि बीइंग ह्यूमन की तरफ से कोई उनको मदद की जाए, और वो बिल्कुल उन्होंने किया और पूरी मेडिसिन का खर्चा उठाया उन्होंने, और जो कुछ भी हेल्प किया वो बिल्कुल मेरे असिस्टेंट्स को याद है पूरा, और मैं खुद जानता हूँ कि वो कितना लोगों के लिए करते हैं। लास्टली, उनके फैंस और उनकी फैमिली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? काफी दुख में सोहेल, अरबाज, अर्पिता सब। बस जैसा कि मैंने कहा कि फैमिली जो होती है वो खुद बहुत सफ़र करती है कि उनका अपना खून इस मुसीबत में फंस जाए, तो मैं यही दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इन सबको शक्ति मिले इस दुख के समय को गुजारने में, इनको हिम्मत दे ऊपर वाला, और जो भी है सिचुएशन को फेस तो करना ही पड़ेगा। सलीम साहब खुद बहुत प्रैक्टिकल थिंकर हैं, आई एम श्योर कि वो अपनी फैमिली को सही रखेंगे। Thank you.